हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज के अंदर एक्सरसाइज 4.2 के बारे में बात करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में, मतलब हमारे लास्ट लेक्चर में, हमने थियरी एंड उसके फॉर्मूला के बारे में बात की थी। और एक चीज़ बता दूं कि एक्सरसाइज 4.1 के अंदर जो मेथड दी गई है, ओके, ग्राफिकल मेथड, वो मेथड आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर या फिर स्कूल की एग्जाम के अंदर पूछी जाती नहीं है, तो ग्राफिकल मेथड हमें कंसीडर करनी नहीं है, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले नहीं है। और उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हमें जो ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए पूछेंगे, वो सम्स आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 4.2 आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर जो है, यहाँ पे मैं बता दूँ, आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 172 है, ओके? तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.2 के अंदर सम नंबर 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, क्या है क्वेश्चन? द इंफॉर्मेशन अबाउट डेथ रेट ऑफ अ स्टेट इन अ डिफरेंट ईयर, एक स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात की है और उस स्टेट के अंदर हर डिफरेंट ईयर्स के बारे में बात की है, तो हर साल में वहां पे जो डेथ रेशियो है, जो डेथ हो रही है, उनके बारे में बात की गई है, तो कितनी है वो यहाँ पे डेटा के अंदर टेबल में दिया गया है। उसके बाद क्या बोला है, तो फाइंड द लीनियर इक्वेशंस, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करना है, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी वाई कैप, ओके? तो वाई कैप आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द ट्रेंड एंड हेंस एस्टिमेट द डेथ रेट फॉर द ईयर 2017। हमें यहाँ तक डेटा दिया गया है 2015 तक, और हमें डेथ रेट फाइंड आउट करने के लिए बोला है 2017 का। तो समझ में आया कहाँ तक के डेटा है, 2015 के, और हमें 2017 का डेथ रेट कितना होगा उसका एस्टिमेट उसको बताना है। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। तो जो ईयर दिया है उसको हम पहले कॉलम बनाएंगे, दूसरा हमें दिया है डेथ रेट, जिसको हम कंसिडर करेंगे वाई, ओके? और ये रहा y की कॉलम। अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले y का टोटल ले लो, तो y का टोटल आपका कितना आएगा, आप अपने कैलसी का यूज करके कंसीडर कर सकते हो, 49.9। चलो y का हमने टोटल कर दिया 49.9, देन आफ्टर उसके बाद की जो कॉलम बनेगी वो बनेगी t। क्या बनेगा, t बनेगी, क्यों? क्योंकि ये जो T है वो हमें ट्रेंड के लिए कंसीडर करना है, T इट्स कॉल्ड एज ट्रेंड। ट्रेंड मतलब क्या, तो कि भाई यहाँ से जो शुरुआत का जो फर्स्ट ईयर है उसको हम ट्रेंड 1 लेंगे, सेकंड ईयर को हम ट्रेंड 2 लेंगे, देन आफ्टर 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से हमें T कंसीडर करना है। इसमें नहीं, हर एक सम के अंदर वही करना है, जो सबसे पहला है, सबसे स्टार्टिंग का जो ईयर है उसको ट्रेंड 1 लेना है और धीरे धीरे हमें उसको आगे बढ़ाना है। ये हमारा ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब यहाँ पे टी लिया था, जिसको हम टाइम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकता हूँ, टाइम, टाइम का मतलब जो पहले है वो फर्स्ट, उसके बाद दूसरा टाइम, तीसरे टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, ओके, डिफरेंट डिफरेंट ईयर दिए। ये थी आपकी टी की कॉलम। अब आपको टी का भी क्या करना है, टोटल करना है, तो टी का टोटल आपका कितना आएगा, टोटल 28, अपने कैलसी में यूज करके आप बता सकते हो। आफ्टर दैट अब हमें क्या कंसीडर करना है, तो कैसे, अब हमें लेना है t बार इज इक्वल टू सिग्मा t डिवाइड बाय n, ओके? सिग्मा t कितना है, 28, n कितना है, तो ये जो है ना n 7, 1 2 3 4 5 6 7, n कितना आएगा 7, तो हमारा t बार कितना हो जाएगा, इसको कट करने से 4, t बार कितना मिलेगा हमें 4। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है y बार, ओके? तो y बार मतलब सिग्मा y डिवाइड बाय n 49.9 डिवाइड बाय 7। चलो अपने कैलसी का यूज करके बताओ, 49.9 डिवाइड बाय 7 कितना होता है, तो कि वो बन जाएगा 7.13, कितना मिलेगा 7.13। चलो अभी अभी तक हमने जो एक्स वाई की मेथड की थी, सेम एसरीज वही चल रहा है, वाई और टी, ये दो चीज हमें मिल गई। अब हमें कंसीडर करना है टी वाई,
और उसके बाद की जो कॉलम बनेगी वो हमारी कॉलम बनेगी टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बारे में आपको पता ही होगा, कौन सी फॉर्मूला है, डी। क्या आता है? एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर। याद है ना हमने बात की थी, इसको हम क्या बोलेंगे, बी कंसीडर करेंगे, ये बी की फॉर्मूला है। तो उसके लिए हमें ये देखो, यहाँ पे सिग्मा टी चाहिए तो ये है, सिग्मा वाई चाहिए तो ये रहा, अब चाहिए सिग्मा टी वाई तो ये रहा टी वाई, उसका रूल आएगा वो सिग्मा टी वाई में जाएगा, और यहाँ पे चाहिए सिग्मा टी का स्क्वायर, जो ये टी का स्क्वायर करोगे तो वो क्या बन जाएगा, सिग्मा टी का स्क्वायर बन जाएगा। चलो टी वाई, टी वाई मतलब इन दोनों का टोटल करना है। फिर से एक बार बता दूं कि इसका टोटल करते वक्त आपको जी टी का यूज करना है सर, आई होप कि सबको जी टी का यूज करना आता ही है, मैंने अपने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। तो हमें क्या करना है सर, 7.6 इंटू 1 इज इक्वल टू, तो आंसर क्या जाएगा 7.6, आफ्टर दैट 6.9 इंटू 2, तो उसका टोटल मल्टीप्लीकेशन आएगा 13.8। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 7.1 इंटू 3 उसका आएगा 21.3, चलो 7.3 इंटू 4 उसका आएगा 29.2, 7.2 इंटू 5 उसका आएगा 36.0, देन आफ्टर 6.9 इंटू 6 एंड 6.9 इंटू 7 तो इसका आएगा 41.4, और देन आपका 69.7 का जाएगा 48.3। क्लियर? चलो अब इन पूरी कॉलम का हमें क्या करना है सर, प्लस करना है, तो प्लस करते वक्त आंसर क्या आएगा, 197.6। आप जीटी जैसे ही यूज करोगे तो डायरेक्ट आपको वापस से पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, सीधा आंसर मिल जाएगा 179.6। अब करना है टी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 16, 25, 36, 49। चलो अब इसका टोटल कितना बैठने वाला है, 140 मिल गया सबका टोटल। अब हमें कंसीडर क्या करना है सर, तो सर अब हमें फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट डाउन करने है, यहाँ पे आपकी फॉर्मूला है सर, तो b इज इक्वल टू n की वैल्यू है 7 इंटू सिग्मा टी वाई, ये रहा 197.6 माइनस सिग्मा टी कितना है 28, सिग्मा वाई कितना है 49.9। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, उसके बाद डिवाइडेड बाय वापस n है, क्या दिया है, n दिया गया है, n का मतलब होगा 7 इंटू सिग्मा टी का स्क्वायर, क्या दिया है सिग्मा टी का स्क्वायर, तो सिग्मा टी का स्क्वायर कितना है 140 माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर, सिग्मा टी मतलब 28 चलो 197.6 इंटू 7 करना है, तो उसका आंसर आ जाएगा 1383.2। चलो 28 इंटू 49.9 तो उसका आंसर आ जाएगा माइनस करके 1397.2 डिवाइड बाय 140 इंटू 7, चलो कितना होगा 140 इंटू 7 980, चलो कैंसिल करना 28 का स्क्वायर भी करना है, क्या आएगा 1383.2 माइनस 1397.2 करना है, तो उसका आंसर आएगा माइनस 14, याद रखना इसमें से ये जाएगा तो माइनस 14 आएगा, देन आप इन दोनों का माइनस करोगे तो भी आपको आंसर प्लस में मिलने वाला है, और वो मिलेगा 196 प्लस में। क्लियर? चल तो इसका डिवीजन करने से हमें हमारा आंसर माइनस में मिलेगा, क्योंकि 14 क्या है माइनस है, तो आंसर हमें कैसा मिलेगा,
माइनस में ही मिलने वाला है। तो आंसर हमें मिल रहा है -0.07, ये हमें हमारा बी मिला। चलो उसके बाद फाइंड करेंगे ए। ए की फॉर्मूला क्या है? वाई बार माइनस बी टी बार। वाई बार कितना है? 7.13 माइनस बी कितना है? तो सर ब्रैकेट के अंदर आएगा -0.07, ओके। और टी बार कितना है? तो यहाँ पे 4। टी बार कितना मिलेगा हमें? 4 मिला। चलो 7.13 माइनस 0.7 इंटू 4। चलो करो कितना आएगा? तो क्या सर -0.07 इंटू 4 इज इक्वल टू -0.28। क्लियर? जब माइनस माइनस प्लस, तो 7.30 प्लस 0.28 तो प्लस करो तो आ जाएगा 7.41। कितना आ जाएगा? 7.41। ये हमें हमारा मिला ए। समझ में आया? अब आपको बी मिल गया, ये भी मिल गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है सर? ट्रेंड। ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाई के इज इक्वल टू ए प्लस बी टी की आपकी फॉर्मूला है सर। तो ए की वैल्यू क्या मिली? 7.41 प्लस बी की वैल्यू क्या मिली है? -0.07 और टी का रहेगा टी एज इट इज। तो अब ये प्लस माइनस माइनस 7.41 -0.07 t, ये हमें हमारा वाई कैप मिला। यहाँ पे आपका सम खत्म नहीं हो रहा है, अभी भी आपको एक क्वेश्चन दिया है कि ये हमें ट्रेंड फाइंड आउट किया। देन आफ्टर एस्टिमेट द डेथ रेट फॉर द ईयर 2017। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे डेथ रेट फॉर ईयर 2017। ये देखो 2015 जो है उसका डेथ रेट यहाँ पे 6.9 है, और उसके लिए हमने ट्रेंड टाइम हमारा कितना था? 7। ओके, तो 2016 के लिए हमारा टाइम कितना मिलेगा? 8 मिलेगा कि नहीं? यहाँ पे देखो 2015 के लिए हमारा टाइम क्या था? 7। तो हमारा 2016 के लिए हमारा टाइम क्या होना चाहिए? 8। Then after, तो 2017 के लिए हमारा टाइम मिलेगा 9। तो ये टाइम हमें कंसिडर करना है एज अ टी, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट डाउन करेंगे y cap के अंदर। तो चलो y cap इज इक्वल टू यहाँ से वैल्यू लो 7.41 -0.07, और जो t है t की जगह पे हम रखेंगे 9। तो 7.41 माइनस कितना आ जाएगा? 0.63। और ये जो आपको मिलेगा वो आपका क्या रहेगा? वाई कैप डेथ रेट फॉर द ईयर 2017, और वो बन जाएगा 6.78। डेथ रेट कितना रेट रहेगा? 6.71। ओके, चलो समझ में आया हमने क्या किया? और एक बार अच्छी तरीके से एक्सरसाइज 4.2 के अंदर का फर्स्ट सम हमने कंसीडर किया है सर। यहाँ पे ईयर दिए है और आपको डेथ रेट दिया था वाई। ओके, दोनों हमने कंसीडर किया। यस, आफ्टर दैट हमने बात की टी की। तो टी हमने कैसे लिया? तो 2009 का 1, 2010 का 2, 2011 का 3, 12 का 4, 13 5, 14 का 6, 15 का 7, इस तरीके से लिया। टी हर एक सम में ऐसे ही लेना है, डेथ रेट हो या कोई और चीज। ईयर पहला है उसके लिए टी 1, बाकी के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ में आया? आफ्टर दैट हमें पहले हम x बार फाइंड आउट करते थे, आज हम t बार फाइंड आउट करेंगे, t बार और y बार। ये चीज हमने फाइंड आउट की। आफ्टर दैट वी कंसीडर द बी। बी की फॉर्मूला पुट डाउन करने के बाद हमें बी की वैल्यू मिली, और उसके बाद मिला ए, और ए की वैल्यू के बाद उसकी वैल्यू हमने ट्रेंड के अंदर डाली।
एस्टिमेट द लीनियर इक्वेशंस, इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन फॉर द फाइंड आउट ऑफ ट्रेंड। वो हमने बात की y cap मिला, ये सिर्फ ट्रेंड था लेकिन आपको पूछा गया था 2017 के लिए, तो 17 क्या कौन सा आ रहा था ट्रेंड, 9 आ रहा था, तो हमें t की जगह पे क्या पुट डाउन करना है सर, 9 पुट डाउन करना है, और ये आपका आपको डेथ रेट मिल गया 2017 का। इस तरीके से आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर 4.2 एक्सरसाइज के सम सॉल्व करने हैं।